नमस्ते, माय नेम इज़ पूजा एंड वेलकम बैक टू हाउसिंग हुक्स। दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू प्लान करना स्टार्ट कर दिए होंगे कि कैसे घर को साफ करेंगे, कैसे घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे घर को डेकोरेट करेंगे और कैसे डीक्लटर करेंगे। वेट, डीक्लटर आप कहाँ से डीक्लटरिंग करेंगे? क्या आप सोफ़े के ऊपर से या फिर बेड साइड की टेबल से, बेड बॉक्सेस से, यही सब बस हल्का फुल्का जो क्लीनिंग कर देते हैं, क्या यही डीक्लटरिंग होता है? नहीं, ये डीक्लटरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। डीक्लटरिंग और क्लीनिंग ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। क्लीनिंग मतलब हम जो चीज़ों को उठा के लाते हैं, क्लीन करते हैं, फिर वापस उसको उसी जगह में या फिर जगह चेंज करके रख देते हैं, तो ये क्लीनिंग हो गया। पर उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो डीक्लटरिंग है। तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि आपके घर में जो क्लटर का एक बड़ा सा भूत होता है, क्या वो अभी भी छुपा है? क्या आपको पता है ये बड़ा सा भूत कहाँ रहता है? ये रहता है हमेशा हमारे घर के बंद दरवाज़ों के पीछे। और ये बंद दरवाज़ा कहीं पर भी हो सकता है, लाइक आपके लॉफ्ट में हो सकता है, आपके किचन कैबिनेट में हो सकता है, या फिर किसी ओल्ड सूटकेसेस, जो अनयूज्ड सूटकेसेस होते हैं उसमें हो सकते हैं, बेड बॉक्सेस के अंदर हो सकते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। तो ये जो सारे बंद दरवाजे होते हैं ना, आप इनको खोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या फिर साल में एक या दो बार खोलते हैं, वो भी थोड़ा सा जगह बना के और कुछ सामान लेके अंदर रखने के लिए, है ना? तो इनको सबसे पहले क्लीन कीजिए, इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लास्ट दो साल में भी आप इनको यूज़ नहीं किए हैं ना, तो आप आगे जाके भी इनको यूज़ नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम संभाल करके साल भर बस घर में भर के रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है वी विल नीड दिस समडे, बट ट्रस्ट मी समडे नेवर कम्स। बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये सब स्पेस हमारे घर की एक पेनफुल एरिया होके हमारे दिमाग में रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। अनदर बिगेस्ट हर्डल इज इन आवर कंट्री, हमें चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाते हैं। लाइक मैं अपने खुद की एक एग्जांपल देना चाहूँगी। कुछ साल पहले मैं मेरे बेटे का जो बहुत ही छोटा छोटा ड्रेस पैंट्स, जब वो बहुत ही छोटा था उस टाइम का, मैं वो सब एज ए मेमोरी रखना पसंद करती थी। तो पहले तो मैं ये दो तीन ड्रेस पैंट्स रखती थी, पर धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा, मेरा भी आदत थोड़ा थोड़ा बिगड़ गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये उसका इस फर्स्ट दिवाली का ड्रेस सैरवनी है, ये उसका फर्स्ट बर्थडे का ड्रेस है, इसे रख लेती हूँ, ये उसका किंडरगार्टन वाला यूनिफॉर्म है तो इसे भी रख लेती हूँ, ये ड्रेस वो ड्रेस, ऐसे करते करते, ऐसे रखते रखते मेरे पास हो गया ये बड़ा सा बैग, तो जिसे मैं ज़िंदगी भर घर में भर के रखने के लिए बना ली एक बड़ा सा पोटली। तो ये था एक एग्ज़ाम्पल, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो यही सब आदत हमारे घर में क्लटर भर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा घर ओवरवेल्म्ड हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें ना ये जो क्लटर है, इनको पहले हमारे घर से खाली करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमें क्लीनिंग प्रोसेस में जाना चाहिए। बस ऊपर ऊपर से क्लीन कर देंगे और भीतर ये सारे गंदगी को अगर आप घर में भर के रखेंगे तो घर में पॉजिटिव वाइब्स कैसे आएंगे? तो अब बात करते हैं, व्हाई इज़ डीक्लटरिंग इम्पॉर्टेंट? तो क्या आपको पता है इसके बहुत सारे बैड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि घर में लो प्रोडक्टिविटी होना, फोकस रिड्यूस्ड होना, हाई स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी जैसे नाम भी इस लिस्ट में हैं, और हम अदर फैक्टर्स को ब्लेम करते रहते हैं। क्लटर्ड सराउंडिंग्स और अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर डीप इम्पैक्ट डालता है, एंड जनरली हाउस होल्ड टास्क मच मोर डिफ़िकल्ट। तो एक बार डीक्लटरिंग हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे कि आपका स्पेस कितना सिंप्लीफाई हो गया है, आप देखेंगे कि आपकी घर कितना मिनिमलिस्ट हो गया है और कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। बट डोंट वरी, ज़्यादा मत सोचिए कि कैसे डीक्लटरिंग करें, कहाँ से करें। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप इजीली बिना स्ट्रेस लिए ये काम कर सकते हैं। और हाँ, ये मत सोचिए कि आप एक दिन में ही ये सारा काम कर लेंगे। जैसे आपको अगर मैं सच बताऊंगी कि हमारे घर में जो ये जितने आप क्लटर देख रहे हैं ना, ये सारे हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉफ्ट में ही निकला हुआ है,
क्योंकि हमें पता था कि हमारा लॉफ्ट में ही ज़्यादा ये सब स्टफ भरी हुई है, क्योंकि ये हमारा खुद का घर है और यहाँ आते हुए हमें बस एक साल ही हुआ है। बाकी सारे जितने कैबिनेट्स हैं वो आप ज़्यादातर देखेंगे कि खाली है, क्योंकि मैं उसको हमेशा कोशिश करती हूँ खाली रखने के लिए। पर जब हम यहाँ आए थे तो सारे चीज़ें रखने के बाद जितना हमें टाइम नहीं हुआ था, जो जो चीज़ें या फिर ये एक साल में जो चीज़ें हमारे निकला हुआ है, जो हमारे बिल्कुल यूज़ में नहीं आते हैं, वही सब चीज़ हम लॉफ्ट में डाल दिए थे। तो अभी हमारा दिवाली डेकोरेशन से पहले हमें लगा कि हमारा लॉफ्ट हमें एक बार खाली कर लेना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें भरी हुई है। और ये एक साल में ट्रस्ट में हम ये चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाया है। बस मेरे बेटे का जो पुराने कपड़े वगैरह निकलता था, मैं उसको भी बैग में भर के बस ऊपर रख देती थी। तो अब हम यही काम कर रहे हैं। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा कैबिनेट्स, बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे स्टफ नहीं है, तो बस ये लॉफ्ट में ही ये सब चीज़ें था। तो हमें लगा कि हम इसको एक दिन में ही इसका काम कर लेंगे। तो पूरे दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये काम कर रही थी उस दिन। तो ये बेहतर होगा कि आप अगर किसी का हेल्प ले रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर्स का हेल्प ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है, आपका काम जल्दी हो जाएगा। या फिर आप अकेले कर रहे हैं तो एक साथ सारे चीज़ों को मत निकालिए। बस आप और भी एक अच्छा आइडिया है कि आप नोट कीजिए कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, किस रूम से स्टार्ट करना है, या फिर कौन सी जो एरिया आपकी ऐसी है जो आपको हर्ट करता है बार बार, तो आपको ये नोट करना है। और एक के बाद एक के बाद एक आप इसके पीछे कितना टाइम दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर आप चाहें तो दिन में एक घंटा दे सकते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या फिर कोई भी आपके पास फ्री टाइम है आप उस टाइम में ये कर सकते हैं। आप इसके पीछे कितना टाइम दे रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एक घंटा दो घंटा अगर आप रोज़ देंगे, अगर आपके घर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया है तो आप एक दो घंटा रोज़ देते हैं, तो ये धीरे धीरे ये काम ख़त्म हो जाएगा। अगर कुछ कम एरिया है, जैसे हमारे घर में ये लॉफ्ट ही था जो हमारा भरा हुआ था, तो आप एक दो दिन में इसका काम ख़त्म कर सकते हैं। पर स्टार्ट तो कीजिए, पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए। बस जितना दिन आप सोचेंगे बस ये भरते जाएंगे। पहले इनको खाली कीजिए, फिर आप दिवाली का शॉपिंग कर सकते हैं। आप घर से इनको निकालेंगे नहीं और ऊपर से नए चीज़ें ले आएंगे, फिर उनमें से भी जो कचरा निकलेगा उसको भी भरते रहेंगे। ऐसे करने से ये आपका घर कभी भी खाली नहीं हो सकता। तो अगर आप सबसे पहले नोट कर लेते हैं और नंबरिंग कर सकते हैं कि वन बाय वन आपको कौन सी एरिया को क्लियर करना चाहिए, तो वैसे अगर आप करेंगे तो आपकी जो ये डिक्लटरिंग का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा एक प्लान मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इजीएस्ट वे है कि जितने भी आइटम्स हैं उनका 3 कैटेगरीज बनाइए, डैम्प, डोनेट एंड सेल। ये 3 पाइल्स आपकी क्यूलिंग प्रोसेस को मोर ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। अगर आपके घर में कुछ डिसेंट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आप सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग ऐप बहुत सारे हैं, आप उनमें डाल सकते हैं और उनमें से कुछ मनी भी सेव कर सकते हैं। और जितने सारे चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि अच्छे तो है पर आप इसको यूज़ करने वाले नहीं हैं, तो आप उसको तुरंत एक पैकेट बनाइए और जिन लोगों को ये सारे चीज़ों की ज़रूरत है आप उनको तुरंत दे दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे, उनको यूज़ करेंगे। अगर आप इनको साल भर घर में भर के रखेंगे ये आगे जाके और भी पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा और बाद में इनको कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा। आप ये देख सकते हैं ये जो है दिवाली वाले हम जो लाइट्स लगाते हैं ये है, तो इनको अगर आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और आप आगे जाके इनको यूज़ नहीं करने वाले हैं, नए ला रहे हैं, तो इनको भी किसी को दे दीजिए, ये भी किसी का काम में आएगा। तो बिल्कुल भी इनको घर में भर के मत रखिए। अगर घर में पुराने कपड़े हैं जो रखे हुए हैं आप उनको चैरिटी में दे सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प है उनको दे सकते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स हैं उनको दे सकते हैं। ये कपड़े बहुत ही खुश होकर वो लोग ले लेते हैं, तो इनको भी आप घर में भर के मत रखिए। ये दिवाली से पहले ये सब चीज़ें आप किसी को दे दीजिए अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो। अब लास्ट में जितने चीज़ें बच जाते हैं वो आपको डैम्प भी करना है। ऐसे चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे भी नहीं और कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो टूटे फूटे चीज़ें होते हैं
लाइक ये सब चीज़ें ना बच्चों के खिलौने में से या फिर कहीं से ऐसे ही चीज़ें निकलते हैं जो घर में होते हैं, तो उनको तो आपको तुरंत निकल कर बाहर करना चाहिए और उनको डैम्प कर देना चाहिए। तो ये था 3 प्रोसेस, डैम्प, डोनेट एंड सेल। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी रहेगा, ट्रस्ट मी। आप घर में जहाँ से भी क्लीनिंग कर रहे हैं ना, जो जो चीज़ें आपके घर से निकल रहे हैं, आप एक बार दिल से पूछिए, हर एक चीज़ को पूछिए कि क्या ये चीज़ें फ्यूचर में जाके आपको खुशी देगा, क्या आपके घर में ये रहना चाहिए। बस आप तभी डिसाइड कर पाएंगे कि उसके साथ आपको क्या करना है। अगर घर में बच्चे हैं तो ये टॉय सेक्शन भी एक बहुत बड़ा क्लटर जोन बन सकता है, क्योंकि बच्चे खेलने के बाद हम सारे टॉयज़ उठा के एक साथ इकट्ठा करके रख देते हैं। जो टूटे फूटे टॉयज़ है, जो अच्छे टॉयज़ है, वो सारे मिक्स होके रहते हैं। ऐसे रखने से बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं वहाँ आके खेलने के लिए, क्योंकि उनको तो पता नहीं है, वो जब आके ढूंढते हैं तो उनको सही टॉयज़ मिलता भी नहीं है, वो खेलना पसंद नहीं करते हैं। इनको भी अगर आप टाइम टू टाइम डिक्लटरिंग करते रहेंगे ना, तो जितना भी टॉयज़ वो खेलता है वही सेपरेट होके रहेगा। और कुछ कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जो बच्चे खेलते नहीं हैं, वो बोर हो जाते हैं, तो उनको भी आप अलग कर दीजिए। जो टूटे फूटे हैं उनको भी अलग कर दीजिए। बाकी जो भी टॉयज़ उसको खेलना पसंद है वही रखिए, ताकि ये भी एरिया आपका मिनिमल होके रहेगा, बच्चे खेलना भी पसंद करेंगे। अगर आपके घर भी ओवरवेल्म हो चुका है तो इसी प्रोसेस से स्टार्ट कीजिए। शायद आप दिवाली तक ख़त्म ना कर पाए, पर आप दिवाली के बाद, शायद आपको कुछ महीना लग जाए, पर आप धीरे धीरे इसको ख़त्म कर लेंगे। अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे तो ईजीली कर लेंगे, तो अगले साल दिवाली आपका घर बिल्कुल क्लीन हो गया होगा, बिल्कुल अंदर से क्लीन। और जब आप नए चीज़ लाने के लिए घर में सोचेंगे ना, तो आपको शायद डर भी नहीं लगेगा। डिक्लटरिंग का जो रिजल्ट है वो आप खुद ही महसूस करेंगे, और इसे मेंटेन करने के लिए जो आदत है वो भी आपका धीरे धीरे पड़ जाएगा। और लास्ट में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे मेमोरीज़ को बस उठा के फेंक दीजिए, रखिए, पर आप थोड़ा सा भी रख सकते हैं। आप बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कपड़े का बस दुकान खोल के बैठेंगे और सब आके देखेंगे, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और सारे फ़ोटोज़ भी तो हमारे साथ ही रहते हैं एज ए मेमोरी, तो अगर आपको पसंद है तो आप कुछ रखिए मेमोरी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। पर आदत ऐसा मत बनाइए कि बस आप इकट्ठा करते जाते हैं और कभी उसको खोलते नहीं हैं, बस घर में भर के रखे जाते हैं। ये आदत आपको चेंज करना ही होगा, तभी जाके हम मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं भी पूरी तरह से मिनिमलिस्ट नहीं हूँ, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। घर छोटा या बड़ा, पर एक नीट एंड क्लीन स्पेस किसे पसंद नहीं है। So, what do you think? Are you ready to declutter your home? Go on, declutter your homes and live happily. More mess, added stress. I hope guys, आज की वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू हाउसिंग हुक्स फॉर मोर वीडियोज। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हाउसिंग हुक्स ऑफिशियल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।